दोस्तों, अगर आप एक फेसबुक यूजर हैं और फेसबुक पर आपका जो अकाउंट है उसमें कोई इशू आ गया है, या फिर आप किसी भी कारण से अपने फेसबुक के अकाउंट को डिलीट करना चाहते हैं परमानेंटली, तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे आप अपना फेसबुक का अकाउंट डिलीट कर सकते हैं। और ये बहुत ज़्यादा आसान है, आपको ये जो वीडियो है पूरा कंटिन्यू करना है और आपको पता चल जाएगा कैसे डिलीट होता है फेसबुक का अकाउंट। तो एक काम कीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपको बहुत जल्दी और बहुत आसान तरीके से बताने वाला हूँ। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो देखिए, सबसे पहले तो फेसबुक ही ओपन करनी है आपको, अगर आपको अपना फेसबुक का अकाउंट डिलीट करना है तो। ठीक है, अब आपको करना क्या है, आपको यहाँ पर जो है एक ऑप्शन मिलता है मेन्यू का, जहाँ पर एरो दिखा रहा है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद इस प्रकार का इंटरफेस मिल जाएगा, आपको स्क्रॉल डाउन करना है और सेटिंग एंड प्राइवेसी का जो ऑप्शन है वो आपको मिल जाएगा, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद सेटिंग्स का जो ऑप्शन ऊपर आ रहा है सबसे, इस पर क्लिक कर दीजिए। और यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको मिल जाता है पर्सनल एंड अकाउंट इन्फॉर्मेशन का ऑप्शन, और यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है सबसे ऊपर। क्लिक करने के बाद यहाँ पर सबसे लास्ट में चौथे नंबर पर ऑप्शन मिल रहा है अकाउंट ऑनरशिप एंड कंट्रोल, यहाँ पर क्लिक कर दीजिए सिंपली। क्लिक करने के बाद देखिए इस प्रकार का जो ऑप्शन है वो आपको मिल जाएगा, मेमोरियलाइजेशन सेटिंग्स और डीएक्टिवेशन एंड डिलीशन। तो आपको डीएक्टिवेशन एंड डिलीशन पर करना है, आपको अगर डिलीट करना है तो। यहाँ पर करने के बाद देखिए आपको दो ऑप्शन मिल जाते हैं, अगर आप परमानेंटली डिलीट करना चाहते हैं तो नीचे डिलीट योर अकाउंट पर कर दीजिए, और अगर आप कुछ समय के लिए इसको टेम्प्रेरी डीएक्टिवेट करना चाहते हैं, डिसेबल करना चाहते हैं, तो डीएक्टिवेट अकाउंट पर कर दीजिए। हम आज बात कर रहे हैं परमानेंटली की। यहाँ पर सेकंड वाला जो ऑप्शन है उस पर आपको क्लिक करना है, सेलेक्ट करना है उसको, और कंटिन्यू टू अकाउंट डिलीट पर आपको क्लिक कर देना है। ऐसा करने के बाद देखिए होगा क्या, यहाँ पर ये रीजन पूछेंगे आप क्यों डिलीट कर रहे हैं, तो आप कुछ भी यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं, आई स्पेंड टू मच टाइम। ठीक है, और यहाँ पर आपको नीचे ऑप्शन मिल जाएगा कंटिन्यू टू अकाउंट डिलीशन, तो यहाँ पर आप क्लिक कर दीजिए। और क्लिक करने के बाद देखिए आपको कुछ इस प्रकार की जो इन्फॉर्मेशन है वो आई, परमानेंटली डिलीट अकाउंट आपको ये ऊपर दिखा रहा है और सारी चीज़ें आ रही हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको डिलीट अकाउंट पर जो है नीचे क्लिक कर देना है, और क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको अपना जो पासवर्ड है आपका फेसबुक का वो डाल देना है, और उसके बाद आप कंटिन्यू पर क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको एक बार डालकर दिखाता हूँ। यहाँ पर आपको पासवर्ड डालना है और कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर कंफर्म परमानेंट अकाउंट डिलीशन का आपको एक ऑप्शन मिलेगा। अगर अभी भी आपको नहीं डिलीट करना है तो कैंसिल कर सकते हैं, फिलहाल अगर आपने मन बना लिया है तो डिलीट अकाउंट पर क्लिक कीजिए, और यहाँ पर आपका जो अकाउंट है अगले 30 दिन में डिलीट हो जाएगा। अभी ये जो अकाउंट है वो अपने आप लॉग आउट हो गया, और यहाँ पर दूसरा जो अकाउंट है मेरा वो वाला आ जाएगा, वो वाला जो अकाउंट था वो अपने आप लॉग आउट हो गया। और यहाँ पर आप देखेंगे 30 दिन के बाद इस अकाउंट की कोई भी इंफॉर्मेशन अब नहीं मिलेगी। तो ये है तरीका, यहाँ पर लिखकर आ गया सेशन एक्सपायर्ड, और वो वाला अकाउंट अपने आप डिलीट हो गया। दोस्तों, इस तरीके से आप अपना फेसबुक का जो अकाउंट है वो परमानेंटली डिलीट कर सकते हैं, और डिलीट करने के बाद आज से 30 दिन बाद आपका जो अकाउंट है वो परमानेंटली डिलीट हो जाएगा। अगर आप 30 दिन से पहले चाहें तो उसको लॉगिन कर सकते हैं और एक्सेस कर सकते हैं, फिर आपका जो अकाउंट है वो डिलीट नहीं होगा अगर आपने 30 दिन से पहले उसको लॉगिन कर लिया तब, और नहीं किया तो वो डिलीट हो जाएगा। तो ये तरीका है फेसबुक अकाउंट डिलीट करने का। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई है तो तुरंत वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।